हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज बहुत दिनों बाद हम लोग कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 ज्योग्राफी का, SST मतलब सोशल साइंस का चैप्टर है और ज्योग्राफी NCERT क्लास 7th ईयर। तो बहुत दिनों बाद पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट पढ़ाई की वीडियो डाली थी साइंस की चैप्टर 1, तो आज फिर से डाल रहे पढ़ाई की वीडियो चैप्टर 4 ईयर जो ज्योग्राफी का है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं आज हम। तो मतलब ये वीडियो कंटेंट्स, मतलब दिस वीडियो कंटेंट्स कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब कंपोजिशन मतलब कौन सी गैसेज हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, स्ट्रक्चर मतलब ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह वगैरह, वेदर एंड क्लाइमेट मतलब वेदर क्या होता है क्लाइमेट क्या होता है, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर क्या होता है, और एयर प्रेशर उसी के बारे में मतलब विंड क्या होती है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स, और ये सारी चीज़ें हम आज के वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो देखो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब कि रुको एक सेकंड बताता हूँ, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर ऐसे ऐसे, ठीक है ना, और कंपोजिशन ऑफ हो गया मतलब वैसे बता दिया मैंने आपको, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है मतलब कि नहीं कंपोजिशन होता है गैसेस कौन कौन से जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन बल्क वगैरह वगैरह, और स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है मतलब ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट मतलब वेदर क्या होता है क्लाइमेट क्या होता है वो तो ऐसे आपको पता होगा पर लेकिन अब वीडियो के अंदर तो भाई मुझे बताना ही पड़ेगा, टेम्परेचर क्या होता है और एयर प्रेशर क्या होता है कहाँ पर ज़्यादा होता है, विंड क्या होती है और टाइप्स ऑफ रेनफॉल कौन कौन सी, और उनको एक एक करके एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। लेट्स बिगिन। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन मतलब कि N2 सेकंड को मैं निकाल लेता हूँ, नाइट्रोजन मतलब कि N2 और ऑक्सीजन मतलब O2 वो दो गैसेस हैं जो कि इन्वायरमेंट का बल्क बनाती है। मैं आप एक सेकेंड को, और गैसेस भी हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम आर्गन जो कि 1% बनाती है। मैं इसकी फ़ोटो देखते हैं तो देखो नाइट्रोजन हो गया 78% और ऑक्सीजन 20.9 मतलब 21%, आर्गन 0.90, अदर गैसेज जो कि हीलियम वगैरह होती हैं, हीलियम हो गई मतलब और भी बहुत सारी होती हैं वो 0.17% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। मैं सारी एक हटा देता हूँ जिससे आप आराम से एक बार देख लो। तो अभी एक हम बॉक्स पढ़ लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है जो रिलीज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है। वो कैसे बनाती है, वो हीट को ट्रैप कर देती है जो कि अर्थ से रेडिएटेड होती है, मतलब जो अर्थ रेडिएट करती है हीट को वो उसे ट्रैप कर लेती है। इसको कहते हैं हम ग्रीन हाउस गैस, मतलब आपको पता ही होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। एंड विदाउट इट मतलब अगर वो ना हो मतलब अगर नहीं हो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई सी भी ग्रीन हाउस गैस तो अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, मतलब रहा नहीं जाएगा अर्थ के अंदर में। तो भाई देखो ये आपको समझ आ गया, और इसका अभी तो देखो मैं नहीं डाल पाया पर अगली बार जब भी कुछ ऐसी पढ़ाई की डालूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके साथ आपको एक क्विज़ का लिंक दूँ डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर, जिससे आप जो है वो एक बार ट्राई तो कर सकते हो अपनी स्किल्स को, तो फिर मतलब समझ जाओगे ना आप एक बार कि मैंने क्या समझाया, और फिर उसके अंदर वही क्वेश्चन मतलब वो मैंने ही बनाया हुआ होगा और उसके अंदर वही क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझाए हैं। तो अभी अगली स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड के अंदर हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में।
तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ये मैंने वैसे आपको अभी बता दिया जो कि मुझे बाद में जाना था। चलो कोई नहीं, आप मेरी बातों को सुनो बस और समझते जाओ। इस वीडियो में बिल्कुल नहीं रुकने वाला, क्योंकि मैंने अपनी पहले की वीडियो देखी, मैं बहुत रुकता हूँ बीच के अंदर, गेमिंग वीडियोज़ के अंदर भी। अब नहीं रुकने वाले अपन लोग, रुकेंगे तो मैं उसको एडिट कर दूँगा पक्का, और अगर मैं रुका तो भाई कमेंट कर देना मुझे, क्योंकि भाई मैं कई बार पता नहीं लगता, मुझे लगता मैं अकेला खेल रहा हूँ। और गाइस एक और बात आपके लिए, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर जानने से पहले एक और बात जो कि मैं आपको बीच में बताऊँ क्योंकि अगर अभी बता दी भाई वीडियो छोड़ दोगे आप, अच्छी बता रहा हूँ मैं, इतनी बढ़िया बात है भाई साहब। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या होता है? द एटमोसफियर इज कम्प्राइज ऑफ लेयर्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के बेस्ड होती हैं सारी एटमोसफेयरिक लेयर्स। तो उन लेयर्स का नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एग्जोस्फेयर। अभी फटाफट से इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, जिसके अंदर सारे वेदर फिनोमेनाज होते हैं। फिर आता है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसके अंदर प्लेन्स उड़ते हैं। मीजोस्फीयर के अंदर मीटियोर्स बर्न जाते हैं। थर्मोस्फीयर के अंदर जो है वो रेडियो सिग्नल्स आते हैं। और एक्सोस्फीयर के अंदर, मतलब वो लास्ट होती है, उसके अंदर ग्रेविटी जीरो होती है और उसके अंदर कुछ नहीं होता भाई, नथिंग। उसके अंदर बस एक हमारा एक्सोबेस है और कुछ नहीं है भाई, बस स्ट्रेटोस्फीयर में एक ओजोन लेयर और ऐड हो जाती है, बस भाई बस। चलो अब एक एक करके सबकी सब लेयर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, लेयर वन ट्रोपोस्फेयर। तो लेयर वन ट्रोपोस्फेयर जो है वो सारी क्लाइमेट ऑफ द अर्थ जो, या फिर जो लॉन्ग टर्म वेदर ट्रेंड होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखो, ट्रोपोस्फेयर के अंदर भी प्लेन उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर भी उड़ते हैं। यहाँ पे देखो, ये कोई हमारा मतलब कुछ बना हुआ है, मतलब बिल्डिंग्स, तो इधर हम रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर हम रहते हैं, ये क्लाउड्स हैं और ये प्लेन ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ जा रहा है। और जो ट्रोपोस्फेयर है उसके बारे में मेजर चीज़ पढ़ते हैं। जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे हम सांस ले सकें, जो कि अर्थ को एक लिवेबल टेम्परेचर पर रखता है। और वो वेदर फिनोमिनाज अकर होते हैं इधर, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि इसके बिना भाई हम रहेंगे कहाँ भाई, रहेंगे कहाँ। तो भाई देखो, इतनी सी भाई आपको अगर बहुत छोटी है कहाँ लिखेंगे, मतलब याद कैसे करेंगे? तो भाई देखो, याद तो आप अभी इसी को कर लो, पर लेकिन आपको इससे छोटी डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी। इधर मिल भाई, आप इसको अच्छे से याद कर लो, और फिर उसके बाद अगली वीडियो में आप देख लेना क्या होगा, मतलब अगली वीडियो में अंदर कुछ तगड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं लेयर टू की तरफ। तो लेयर टू है स्ट्रेटोस्फीयर। सबकी मैंने छोटी छोटी डेफिनेशन रखी, ज़्यादा बड़ी फिर आपको समझ नहीं आती। तो इसकी पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो ट्रोपोस्फीयर के टॉप पे होता है, तो खैर हमें पता ही है, और वो 50 किलोमीटर अबव द ग्राउंड होता है। जैसे ट्रोपोस्फीयर वो तो 13 किलोमीटर अबव द ग्राउंड तक होता है, ये 50 किलोमीटर अबव द ग्राउंड होता है, और 31 miles अबव द ग्राउंड। ये देखो स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें ओजोन लेयर होती है और इसके अंदर प्लेन्स भी उड़ते हैं, क्योंकि वो क्लाउड्स के ऊपर ही उड़ते हैं। अब इसके अंदर मैंने बताया ना, इसके अंदर होती है ओजोन लेयर, इन फेमस ओजोन लेयर। ओजोन मॉलिक्यूल जो इस लेयर में होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हम, आपको पता है यूवी रेज ओजोन लेयर वो कर लेती है एब्जॉर्ब, तो जिससे हमें हार्म ना पहुँचे। लेयर थ्री मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है और थर्मोस्फेयर के नीचे होती है। इसका अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, शायद 81 किलोमीटर होता है, हाँ 50 to 85 किलोमीटर अबव आवर प्लैनेट। ये हमारे प्लैनेट के ऊपर ही होती है, प्लैनेट के अंदर होती नहीं। अब देखो, मैंने बोला था ना मीटियोर्स, ये एक मीटियोर है जो कि इधर ही बर्न हो जाएगा, इसके आगे भाई वो जा, मतलब इसके आगे वो आ ही नहीं सकता, इधर तक ही बर्न हो जाएगा बस वो। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट होती है।
तो भाई मीजोस्फियर भी हो गया। बढ़ते हैं लेयर फोर की तरफ को। लेयर फोर है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर जो है वो मीजोस्फियर के ऊपर होती है और एक्सोस्फियर के नीचे होती है। अब देखो थर्मोस्फियर में अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और ये कुछ गैसेस हैं, मुझे भी नहीं पता वैसे। ये जो है वो 90 किलोमीटर अबव द प्लैनेट, मतलब 500 से 1000 किलोमीटर अबव आवर प्लैनेट। 90 किलोमीटर तो इसकी हाइट है खुद की, मतलब कितना बड़ा है, और 500 से 1000 किलोमीटर अबव आवर प्लैनेट। इसके अंदर सोलर एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई देखो थर्मो, थर्मो से कुछ तो लगा, थर्मो तो मैं बताता हूँ, थर्मो एनर्जी, मुझे पता है बहुत गंदी हैंड राइटिंग आ रही होगी, पर भाई अभी के लिए सहलो। अगली बार की वीडियो में से मैं अपना वो लगाऊंगा एक्सपी पेन अपने साथ, अभी मैं भूल गया लगाना, कोई नहीं। तो अभी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को, क्योंकि भाई अपन लोग छोटी छोटी डेफिनेशन बताते, भाई ज़्यादा बड़ी फिर समझ नहीं आती। अब हम पढ़ेंगे लेयर फाइव एग्जोस्फियर, जो कि है लास्ट लेयर। इसको कहते हैं अपर मोस्ट रीजन ऑफ अर्थ एटमोसफियर। ये ग्रे, मतलब इसके अंदर कुछ इतना अच्छे से दिखाई नहीं देता है, वैक्यूम होता है, मतलब वैक्यूम क्लीनर नहीं, वैक्यूम। ये देखो भाई बस सितारे और कुछ नहीं, नथिंग। ये जो इसके नीचे लेयर होती है उसको थर्मोस्फेयर कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। और इसके जो बीच में, मतलब थर्मोस्फेयर एग्जोस्फेयर के बीच में एक बाउंड्री होती है जिसको कहते हैं थर्मोपॉज। जो एग्जोस्फेयर का बॉटम होता है, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं एग्जोबेस। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हमने कॉम्पोजिशन पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेदर। वेदर जो है वो आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर होती है। मतलब देखो भाई सुबह सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। सुबह दिन, सुबह अच्छी सी धूप निकल रही होगी, शाम तक आते आते भाई रोतड़ा मौसम, बारिश। ये देखो भाई ये तो नॉर्मल, मतलब थोड़ा सा क्लाउडी, बहुत ज़्यादा ये सनी डे, ये रेनी डे, नाइट। जो हॉट वेदर या फिर ह्यूमिडिटी होती है भाई वो बहुत ही इरिटेबल होती है भाई, मेरा तो दिमाग सड़ जाता है। प्लेजेंट होता है भाई वेदर, तब मज़े आते हैं ना भाई, तभी तो चीयरफुल लगता है भाई, मज़े आ जाते हैं भाई। कहा था मैंने वेदर चेंज ही होना है रोज़ भाई, देखो वो तो खैर रोज़ चेंज ही होता है भाई। सुबह गर्मी होती है, रात को ठंडक हो जाती है वेदर। अब अपनी अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है क्लाइमेट। मतलब इन शॉर्ट क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म पैटर्न का डिस्क्रिप्शन है एक पर्टिकुलर एरिया में। मतलब इंडिया का क्लाइमेट कुछ और है, अमेरिका का कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया का कुछ और है, अफ्रीका का कुछ और है। तो हर कंट्री का अलग अलग क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट या तो बिल्कुल ही क्लाइमेटिक कंडीशन आपको पता ही है, या तो बिल्कुल ही मतलब सनी, या फिर ड्रॉट, या फिर समझ जाओगे आप, समझ रहे हो ना। सम साइंटिस्ट डिवाइन क्लाइमेट एज द एवरेज वेदर फॉर अ पर्टिकुलर रीजन एंड टाइम पीरियड यूजली टेकन ओवर 30 ईयर्स। मतलब एक क्लाइमेट 30 ईयर्स तक रहता है भाई, 30 ईयर्स कितने ज़्यादा होते हैं। इट्स रियली एन एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर फॉर अ पर्टिकुलर, मैंने कहा था ना एक पर्टिकुलर रीजन के लिए होता है बस वो। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली चीज़ की तरफ जिसका नाम है टेम्परेचर। ये हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ द एयर की डिग्री होती है। और ये देखो ये ठंडक और ये गर्मी। ये तो सुबह से रात तक और सीजन टू सीजन चेंज ही होता रहता है। और थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर। अब हम अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जो है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर जो है वो एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस होता है। मतलब जो वेट एयर एग्जर्ट करती है उसे एयर प्रेशर कहते हैं। जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं वो डिक्रीज होता रहता है, और सबसे ज़्यादा होता है सी लेवल पे। अब हम अपनी अगली चीज़ की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है विंड। इन सिंपल टर्म्स विंड इज़ नथिंग, मतलब भाई कुछ नहीं है, बस मूविंग एयर बस। ये देखो भाई हवा ही हवा, द एयर मूवमेंट भाई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सिंपल। विंड तो बहुत सिंपल थी। अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रेनफॉल। अब आ गया मेन पार्ट, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, पर हाँ मेन पार्ट आ गया।
तो रेन इज अ लिक्विड प्रेसिपिटेशन वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, मतलब पता है आपको बारिश क्या होती है, पानी गिरता है हवा में से, ऐसी बारिश देखी होगी, क्या दिखा रहा हूँ। रेनड्रॉप जब अर्थ पे आती हैं, जब क्लाउड जो है वो सैचुरेटेड हो जाते हैं या फिर वाटर ड्रॉपलेट के साथ फिल हो जाते हैं। अब हम अपनी अगली चीज़ की तरफ पढ़ते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अभी इसके तीन टाइप्स होते हैं, तो मैंने बोला ना तीन टाइप्स, तो उन तीन टाइप्स का नाम होता है ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल और साइक्लोनिक। तो चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल को। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होती है वो स्नो, रेन या फिर बारिश को ही कहते हैं, जो जब फॉर्म होती है जब मॉइस्ट एयर जो है वो लिफ्ट हो जाती है, ऊपर जाती है और वो रेंज ऑफ माउंटेन्स में मूव करती है। देखो इसको आप देख के समझ जाओ, एज द एयर राइज जब वो ऊपर जाती है वो ठंडी होती जाती है। जो ओरोग्राफिक क्लाउड जो फॉर्म होते हैं वो एक प्रेसिपिटेशन सोर्स का फॉर्म बन जाते हैं, और जो बारिश होती है वो अपविंड ऑफ द फॉल हो जाती है माउंटेन रिज की। अब अपनी नेक्स्ट रेनफॉल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल एक ऐसा रेनफॉल का टाइप है जो फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स होता है। देखो तो इस ये जब भी अकर होती है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और जो वार्मर एयर है वो ऊपर चली जाती है। जब एक्सपैंड होता है तो एयर ठंडी हो जाती है और क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं जो कि एक क्यूमुलस क्लाउड्स कहते हैं। अब अपनी लास्ट नॉट द लीस्ट रेनफॉल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक एक्टिविटी जब कॉज होती है, जब साइक्लोनिक रेन जो अकर होती है फ्रंट ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन के सामने जब बारिश आती है। ये देखो ये फोटो बायजूस की तरफ से मिली है हमें, और एट द वार्म फ्रंट मतलब गर्म आगे की तरफ द वार्म लाइटर विंड इंक्रीज स्लाइटली, मतलब वो वार्म लाइटर विंड बढ़ती जाती है ओवर द हैवियर कोल्ड एयर, मतलब गर्म से वो ठंडी होती जाती है। जैसी गर्म हवा राइज करती है वो ठंडी हो जाती है और मॉइस्चर जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो कंडेंस हो जाता है, बन जाता है क्लाउड। द रेन फॉल्स ग्रेजुअली फॉर अ फ्यू आवर्स, तो आपको पता ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दैट इज़ इट फॉर टूडेज वीडियो। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो इन द नेक्स्ट वन। बाय।